आप भी जिसे अपनी बेटी दे रहे हैं ना, वो भी किसी बेटी के लायक नहीं है। सब जानता हूं मैं। जानते हो तो अपनी जबान को लगाम दो और मुंह बंद रखो। वो बंद है इसीलिए आप सीना तान के लोगों से वोट मांग सकते हैं। तुम्हारे रुकने पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं। मैं जानता हूं तुम यहां मेरी वजह से हो और इलेक्शन तक यहीं रहोगे, पता है मुझे। पर ये क्यों नहीं वापस जा रहा, बताओ कबीर। यहां लड़ने झगड़ने के अलावा कोई और काम है तुम्हें? मैं आप लोग को छोड़ के क्यों जाऊंगा? वैसे भी आप लोग को बहुत गाइडेंस की जरूरत है। हाँ वैसे भी इलेक्शन के दिनों में मुझ जैसे लोगों की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। और अब आप कहाँ इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे, खुद को थकाएंगे, घुटनों में दर्द हो जाएगा आपके। कबीर ना ना ना, इसकी इस हरकत और रवैये की वजह से बिल्कुल अफसोस नहीं है मुझे। मैं समझ सकता हूं कि इसकी शादी क्यों टूटी थी। कोई पागल ही होगा जो इसको अपनी बेटी देगा। थोड़ा आराम शंकर, कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है लेकिन हम सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि आप सुन नहीं पाएंगे। आप भी जिसे अपनी बेटी दे रहे हैं ना, वो भी किसी बेटी के लायक नहीं है। सब जानता हूं मैं। जानते हो तो अपनी जबान को लगाम दो और मुंह बंद रखो। वो बंद है इसीलिए आप सीना तान के लोगों से वोट मांग सकते हैं। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं। जमाल साहब जाने दे इसे, इसका तो यही काम रह गया है। यावर मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक हफ्ता रह गया इलेक्शन में। अगर इसकी वजह से कोई गड़बड़ हुई तो समझ रहे हो ना तुम। जमाल बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा उसे। प्लीज